नमस्कार दोस्तों, एसएसयू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 21 सितंबर 2018 फ्राइडे का दिन, आज मार्केट में बहुत ही तेज़ गिरावट आई। तेज़ गिरावट आने की वजह DHFL का शेयर सडनली 60% तक गिर गया। 60% तक गिरने का क्या रीज़न है, और DHFL का शेयर गिरने के बाद लगभग सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में बिकवाली आ गई, उसके साथ साथ पूरा मार्केट में बिकवाली आ गई। सो ये DHFL के शेयर में गिरावट क्यों आई और इसमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक है जो हमारा सीरीज में मैं अपडेट करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए। हमारे थ्रू जुरदा में अकाउंट ओपन करना है या ट्रेड स्मार्ट या ऑनलाइन में अकाउंट ओपन करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए या नीचे दिए गए लिंक में जाके रजिस्टर कीजिए। आपको बहुत सारा बेनिफिट इसके साथ मिल जाएगा जो हम इंट्राडे पोजिशनल स्टॉक अपडेट मल्टीबैगर स्टॉक अपडेट करते हैं, उसका डिटेल आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाएगा और हर एक अपडेट आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो चलते हम न्यूज़ के ऊपर। ये DHFL का डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं जो गिरावट यहाँ से स्टार्ट हो गई। सो ये गिरा कितना जम के गिरा है, लगभग 60% गिरने के बाद फाइनली क्लोज हुआ है 350.55 पे। बहुत तेज़ बिकवाली इसमें आई है, कोई बायर बचा ही नहीं था इसमें, बाद में बाहर आ गए हैं। अभी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। हमने अपने वेबसाइट में ये तीन नए मल्टीबैगर स्टॉक ऐड किए हैं, BHEL, येस बैंक और तीसरा है DHFL। BHEL बाय करने का रेंज दिया है 65 to 75, उसका डिटेल हम अपडेट करेंगे वीडियो आपको क्यों बाय करने का रिकमेंडेशन दिया। येस बैंक हमने बोला है, कल हमने एक्सपेक्ट किया था, कल अपडेट किए थे BHEL और येस बैंक, हमने एक्सपेक्ट किया था गिरावट 290 to 300 के बीच में थम जाएगी, पर एक गिरावट डायरेक्टली 220 to 240 तक आ गया था। तो उसी बीच में हमने आप अपडेट दे दिया, एक्यूमलेट बिटवीन 220 to 240, लगभग हमारा ग्रुप में सारे लोगों ने उसी बीच में बाय किया होगा। और DHFL का गिरावट आ गया, DHFL का भी हमने अपडेट दे दिया था आज ही, इसको बाय बिटवीन 275 to 300 का हमने रेंज दिया था। दोस्तों ये न्यूज़ यहाँ पे अपडेट है मनी कंट्रोल में, और हम तो सजेस्ट करेंगे हर गिरावट में इसको बाय कीजिए। हाउसिंग फाइनेंस के सभी कंपनियों में ये सबसे बेस्ट कंपनी है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस का एक वीडियो मैं आपको बना के पेश करूँगा। सो आज का न्यूज़ जो था वो शेयर करते हैं। देवांग हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन शेयर प्राइस प्लंज एज मच एज 60% टू हिट फ्रेश 52-week लो ऑफ 246.25 अमिड हाई वॉल्यूम्स बट मैनेज टू ट्रिम लॉसेस बिट। स्टॉक सेटल हुआ है 350.55 पे, यहाँ पे 351.55 है, तो लगभग 42.43% इसमें अफवाह आई थी कि ILFS का जो न्यूज़ है, ILFS डिफॉल्ट कर गई है और देवांग हाउसिंग फाइनेंस भी डिफॉल्ट कर गई है करके। सो ILFS का डिफॉल्ट का न्यूज़ का इसमें इफेक्ट आया है। सो इसका MD का जो ये दिया था जस्टिफिकेशन, उन्होंने जो डिस्कशन किया है और उन्होंने क्या बोला उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कपिल वाधवन इनके CMD है, उन्होंने बोला है दी मार्केट मोमेंट हैज केम अस एज अ बिग सरप्राइज, उनके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ है। एंड वी विश टू कैटेगरीली स्टेट दैट DHFL हैज नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी बॉन्ड्स और रीपेमेंट, नॉर हैज देयर बीन एनी सिंगल इंस्टेंट ऑफ डिले ऑन एनी ऑफ इट्स रीपेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, किसी भी तरीके का डिले किसी भी इसमें नहीं है इनका, कोई भी
डिफॉल्ट इनका नहीं है ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। वी डू नॉट हैव एनी एक्सपोजर विथ आईएल एंड एफएस, उनका कोई एक्सपोजर आईएल एंड एफएस में नहीं है। आईएल एंड एफएस बड़ा डिफॉल्ट कर गई है, वो डिफरेंट चैप्टर है। डीएचएफएल कंटिन्यूज इट्स लोन ग्रोथ डिस्बर्समेंट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट गोइंग फॉरवर्ड। द लोन डिस्बर्समेंट वेयर रुपीज 13,582.9 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30, 2018, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 65% ओवर द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। 65% का लास्ट ईयर का क्वार्टर के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जम्प है इसका लोन ग्रोथ में, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में। और फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग एंड वी होल्ड अ स्ट्रांग लिक्विडिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹10,000 करोड़ इन दिस सिस्टम। लिक्विडिटी इनके पास काफ़ी अच्छा है, विच इक्वेट टू 6 months ऑफ कैश। आवर कमर्शियल पेपर सीपी बुक शाल बी अबाउट 6% ऑफ टोटल बोरोइंग एंड द टोटल एसेट एंड लाइबिलिटी बुक इज ओवर ₹1,00,000 करोड़। We shall remain cash surplus even after considering repayment till March 2019 of all liabilities on account of CP, NCD, interest payment, bank dues, etc., which are extremely well matched in case of the ALM position. Our borrowings is well diversified with a banking consortium of 31 banks, NCDs, CPs, ECBs, and masala bonds. We are one of the डिपॉजिट टेकिंग एचएफसी एंड अ पब्लिक डिपॉजिट पोर्टफोलियो ऑफ 10,803 करोड़। आवर रेटिंग ऑफ एनी ऑफ आवर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर नाइदर अंडर वॉच नॉर देयर इज एनी डाउन। रेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका ट्रिपल ए रेटिंग है केयर की तरफ से, BAA, AA का भी ट्रिपल ए रेटिंग है, ब्रिक्स वर्क्स रेटिंग बोलते हैं उसको। There is no regulatory issue or concern with respect to the company. ये उनका CMD का कहना है। प्रमोटर उनका कोई शेयर गिरवी नहीं रखा है, neither कोई ऐसा प्लान है उनका, वो भी उन्होंने शेयर किया है। Our asset quality is strong and we have registered lowest NPA in the industry and have reported gross stage 3 loan asset equivalent or gross NPA percent at 0.93%. तो ये बहुत अच्छा उनका साइन है। द टेस्टोनॉमी ऑफ आवर इन्वेस्टर ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रूवन बाय 3 सक्सेसफुल NCDs। DHFL कमिटेड एफर्ट्स टूवर्ड्स ड्राइविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन हैव ट्रांसलेटेड इनटू अ नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35% और ₹2,435 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30, 2018। लोन बुक आउटस्टैंडिंग ग्रू 32% ₹1,980.50 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 30 जून। एसेट मैनेजमेंट AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रीव बाय 37% ईयर ऑन ईयर रीचिंग ₹1,20,939.5 करोड़ ऑन June 2018 फ्रॉम ₹88,235.7 करोड़ as on June 2018। Strong AUM disbursement growth CAGR of compounded annual growth rate at 26.4 ka and 36.1 ka, considering that 2/3 of DHFL's home loan portfolio is retail home loans wherein एवरेज होम लोन टिकट साइज इज बिलो 16.1, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उनका जो लोन है मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर के लिए है और उसमें मैक्सिमम जो है लोन्स है 16.1 लाख के नीचे है, ये उन्होंने बोला है खास करके। सो DHFL हैज ऑलवेज एंड्यूर्ड टू प्रोटेक्ट द मार्जिन एट 300 to 305 BPS। DSP बैकलॉग म्यूचुअल फंड है, वो सोल्ड कमर्शियल पेपर वर्थ अबाउट ₹200 to 300 करोड़ ऑफ द कंपनी रिसेंटली विद्रॉन टोल्ड CNBC आवाज। ये सब डिटेल है। सो ये न्यूज़ था दोस्तों, और ये डिफॉल्ट का न्यूज़ की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी गिरा है, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब भी गिरावट आता है ऐसा कोई
फंडामेंटली स्ट्रांग अच्छा कंपनी में, तो उसको आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपको कभी कभी मिलता है, उसको आपको इनकैश करना है, तो हमेशा वॉच रखिए। हमने आपको डिटेल टाइमली अपडेट किया था, और आपको अगर इसमें कभी भी गिरावट आ जाए तो आप बाय कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ स्टोरी है ये कंपनी में, बहुत अच्छा स्ट्रांग फंडामेंटल्स है कंपनी का। तो ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए अच्छा साबित होगा। थैंक यू गाइज, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।